आज खड़े जाओ। बताओ मैग्नेटिक मोटिव फोर्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एम एफ। हाँ बताओ। रेजिस्टेंस को हम सीरीज में कनेक्ट जब करते हैं तो उसमें से किसका मान बराबर होता है? सीरीज का मान बराबर। रेजिस्टेंस को जब सीरीज में कनेक्ट किया जाता है तो किसका मान बराबर होता है? करंट या वोल्टेज या रेजिस्टेंस किसका मान बराबर होता है? वोल्टेज का। सीरीज कनेक्शन में। सीरीज कनेक्शन में। हाँ जब सीरीज कनेक्शन में करेंगे तो पैरेलल में कनेक्शन कहाँ किया जाता है? घर में किया जाता है। घर में क्यों ऐसा क्यों करते हैं सर? कि एक माने कि एक लाइट खराब हुआ तो मैंने दूसरे कमरे की लाइट खराब नहीं है। ऐसा क्या है कि एक रूम की लाइट खराब हो जाती है दूसरे रूम की लाइट जल्दी जाती है हमारे पैरेलल कनेक्शन पे? सर क्योंकि अलग अलग वायर रहते हैं ना रूम में। अलग अलग वायर की फिटिंग रहती है। अलग वायर की फिटिंग रहती है। सुमन बताओ सीरीज में किसका मान बराबर होता है? पैरेलल में किसका मान बराबर होता है? पैरेलल में वोल्ट का मान बराबर है। और सीरीज में? सीरीज में बताओ बताओ उसमें भार का मान बराबर। सीरीज में। और वोल्टेज का मान? पैरेलल में बराबर। 5-5 ओम के 3 रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करें कितना रेजिस्टेंस होगा? पांच पांच ओम के 3 रेजिस्टेंस है जिनको सीरीज में कनेक्ट करना है मुझे, और इसमें से करंट निकालेंगे तो धारा निकालने का फार्मूला क्या होता है? केवीएल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? किरचॉफ वोल्टेज लॉ किस सिद्धांत पर वर्क करता है? बताओ ये बताओ फायर कितने प्रकार की होती है? फायर 4 प्रकार। कौन कौन से सर? एक तो मतलब जो कपड़ों में लगने वाला आग। हाँ ये किसमें आती है कपड़ों में लगने वाली आग? एक ग्लास में। और चारों फायर के नाम बताओ, इनका यूजेस बताओ। सर यूजेस से जो कपड़ों में लगते हैं आग जैसे कि इनमें क्या है मतलब शीतल वाला पानी से जो है उसको बुझा सकते हैं। इसकी आकृति कैसे होती है? इसकी सर किस चीज का? सिलेंडर की। एक जो ग्लास एक प्रकार की आग आपकी होती है, जो सिलेंडर होता है इसका कलर कौन सा होता है? सर आकृति रेड लाल येलो लाल रेड दोनों। और फायर जो ग्लास भी प्रकार की आग की किस में आती है? फायर बी प्रकार की आग